फोर्ट स्टार लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। लोग भी ना बड़ी सातिर हैं, अपने काम को अंजाम देने के लिए क्या से क्या तरकीब निकाल लेते हैं, लेकिन जब तरकीब फेल हो जाती है तो फिर उनका बैंड बज ही जाता है। जैसे कि दिल्ली में एक शख्स का बज रहा है। दरअसल यह शख्स जिस हिसाब से सोने की तस्करी कर रहा था, उसने सबको हिला कर रख दिया है। आपको बता दें, इस शख्स के सोने की तस्करी करने का तरीका इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यह 30 मार्च खां शख्स अबू धाबी से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था। इसी बीच यहां कस्टम विभाग के अधिकारियों को इस शख्स पर शक हुआ, जिसके बाद इसकी गहन तलाशी ली गई। और एक बार के लिए तो कस्टम विभागों अधिकारी भी धोखा खाने लगे, लेकिन आखिरकार उनकी नज़र शख्स के सिर पर पड़ गई, जहां नकली बालों के नीचे सोना दबा हुआ था। आपको बता दें कि बस फिर क्या था कि कस्टम विभाग के अधिकारियों ने शख्स को पकड़ लिया और उसके सिर से नकली बाल नोच डाले, जिसके नीचे बड़ी तरकीब से सोना छुपाया गया था। कहा जा रहा है कि शख्स के पास से 600 ग्राम से ज्यादा सोना बरामद हुआ है। सोने की कीमत 30 लाख से ज्यादा बताई जा रही है।